तो दोस्तों यूनिट्स एंड मेजरमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला, जो आपके आने वाले यूनिट टेस्ट, फिर इसके बाद सेमेस्टर एग्जाम, देन फाइनल एग्जाम में भी ये चैप्टर आपको पूछा जाएगा, कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ गाइस, ये अगर आप करोगे तो 12th स्टैंडर्ड प्लस CET, JEE, NEET जो करने वाले हो उस सभी के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ कि यह चैप्टर हमने बहुत बार कंप्लीट किया है। पिछले बार 6 महीने पहले मैंने डिजिटल बोर्ड पे बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, इसके बाद मैंने फिर से आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। तो आप आगे की स्टडी कंटिन्यू जारी रख सकते हो, क्योंकि सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है कम्प्लीट, मतलब ऐसा भी नहीं हुआ है कि रिड्यूस, कुछ भी नहीं, मैंने पूरे सिलेबस पे बनाया हुआ है। तो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट डाल देता हूँ, फटाफट फटाफट रिवाइज कर सकते हो, इवन वन शॉट वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज, इसका जो डेफिनेशन मेरे नोट्स में आपको मिलेगा प्लीज, जो मैंने वीडियो बनाया उसके अंदर, और 11th का टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि उसमें जो भी मुझे लगे उससे रिलेटेड चीज़ें मैं आप लोगों को भेजते रहूँगा। तो इसका डेफिनेशन आपको आना चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, उसका डेफिनेशन, और साथ में उसके फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स, उसके भी डेफिनेशन, और साथ में ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपको पता रहना चाहिए विद सिम्बॉल के साथ। अब अगर आगे हम बढ़ते हैं, डिराइव के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद गाइस, सप्लीमेंट्री तो उतना कभी पूछा नहीं गया है, पर इसके फॉर्मूले याद कर लो, क्योंकि आगे के लिए आपको काम है फॉर्मूले, साथ में मतलब कि प्लेन एंगल किससे, प्लेन प्लेन एंगल हम किससे दिखा, मतलब उसकी यूनिट, उसका यूनिट क्या होता है, सॉलिड एंगल का क्या यूनिट होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। उसके नोटेशन क्या होते हैं ये बस पता रहना चाहिए, और साथ में कन्वेंशन फॉर द यूज़ ऑफ SI यूनिट। इसमें टोटल मिला के 6-7 कन्वेंशन दिया, जो मैंने अपने जो मैंने वीडियो बनाया उसके अंदर बहुत अच्छे और बहुत प्यार से समझाया है, बहुत प्यार से समझाया है। अगर आप देखोगे साइन कन्वेंशन, आप सर्च करो गिरी ट्यूटोरियल, आपको आराम से मिल जाएगा साइन कन्वेंशन फॉर SI यूनिट्स, आपको आराम से मिलेगा, और वो चीज़ों को एक झटके में आप समझ लोगे। तो ये आपको आना चाहिए, ये आना चाहिए, इसके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद गाइस, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में उतने क्वेश्चंस तो नहीं आते, पैरेलेक्स मेथड कभी कभी डिफाइन करने के लिए आ सकता है, जो मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बताया है। इसके अंदर गाइस, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस और मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ अ प्लैनेट, इससे रिलेटेड कभी कभार, मतलब बहुत बार तो नहीं पूछा गया, पर मतलब कि 10 में से 2 बार बोलूँगा पूछा गया है। तो एक बार क्या करना है, 2 मिनट मेरा वीडियो फास्ट करके एक बार देख लो, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी, इतना भी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कभी कभार 10 में से 2 बार, क्योंकि लास्ट में एक लाइन में बोलने वाला, उसको ध्यान से सुनना, 10 में से 2 बार इससे रिलेटेड 1-2 चीज़ें पूछी गई है, इतना भी नहीं है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। अब थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाते हैं, पर पैरेलेक्स मेथड आपको आना चाहिए, थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, ये भी इतना कुछ, इससे इतना कुछ नहीं पूछा जाता। हाँ गाइस, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ये एनालिसिस और डायमेंशन, ये आपको आना चाहिए, और डायमेंशन आने के लिए आपको ये फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले याद हो तो डायमेंशन फार्मूला किस तरह से बनाते हैं ये ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, डायमेंशन सर्च करो, गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, आपको मिल जाएगा, और अभी अभी हाल में भी मैंने इस चैनल पर भी बनाया हुआ है, समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायमेंशन एनालिसिस, ये टोटल 3 एनालिसिस किया हुआ है, तीनों एनालिसिस आपको आना चाहिए गाइस, बताना चाहूँगा। वैसे तो जनरली सबसे ज़्यादा बार यही पूछा जाता है 1 J = 10^7 अर्क, बट मैं बोलूँगा कि तीनों करके रखो, एग्ज़ाम में तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप सभी का ये कॉलेज के एग्ज़ाम्स है, ये बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं है, तो टीचर को जो सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है ना वही टीचर देती है। और इसके छोटे छोटे डेफिनेशन लिमिटेशन आप दो याद कर लो, 2 या 3, मतलब 2 तो हो गया तो काम हो जाएगा, 2 या 3 कर लोगे हो जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एरर टाइप्स ऑफ एरर आपको पता रहना चाहिए, और टाइप्स ऑफ एरर भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से, एरर क्या होता है और टाइप्स ऑफ एरर, ओके, और हर जो हमारा मतलब जो सोर्सेस हैं वो दोनों एरर का, वो आपको पता रहना चाहिए, वो आपके दिमाग का रैंडम एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर के सोर्सेज क्या होते हैं, ये एक स्टोरी की तरह आप याद कर लोगे तो इतना सा बुक में देखो इतना डेंजर लिखा हुआ है, वहाँ मैं जो मैंने जिस तरीके से करवाया है उसको आपको आराम से समझ लोगे, और अपने से भी लिख सकते हो। अब 11th स्टैंडर्ड में आ गए, 11th 12th में गाइस अपने ओन वर्ड्स चीज में लिख सकते हो चीज़ों को, बस उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, समझ रहा है, मीनिंग चेंज होगा कुछ और ही आप लिख के बैठे हो तो ऐसा नहीं चलेगा, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये दिमाग में रखना है। और साथ में गाइस, एस्टिमेशन ऑफ एरर, ये तो सबके सब इंपॉर्टेंट है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, क्योंकि अगर इसमें एक छोड़ोगे तो बाकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, बट गाइस ये समझने के लिए ना ऊपर के मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर हमारा एब्सोल्यूट एरर, ये सभी हमें पता रहना चाहिए, ट्रू वैल्यू क्या होती है, ये सभी पता रहना तो ही हम कर पाएंगे,
ये इसके डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमें एग्जाम में आते हैं गाइस, और इसके फॉर्मूले भी, और ये आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एरर में, एरर का तो पार्ट मैंने आपको बता ही दिया गाइस। हम नीचे आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है, और वो रूल्स मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस के अंदर बताए हैं ये रूल्स। और जनरली रूल्स लिखने के लिए तो बहुत कम टाइम आता है, नाक के बराबर आता है, बट हमें नंबर दिया रहेगा और नंबर में से हमसे पूछा जाएगा कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, कभी कभार ये पूछा जाता है, बट उसका भी 10 में से बस एक ही बार चांस होता है। तो आपको रूल्स याद होना चाहिए, रूल्स याद रहेगा तो जो नंबर दिया हुआ है आइडेंटिफाई कर पाओगे वो सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं है। और ये भी मैंने अपने वीडियो में सिखाया हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर और ग्रीट रूलर सर्च करो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। और बाकी बस इतना, तो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको बता दी, वो उस तरह से याद रखो। एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज से ज़्यादा जो सॉल्व न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिया वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। सॉल्व न्यूमेरिकल अगर आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।